मौलवी की चुनौती पर सोनू निगम ने मुड़वाया सिर। मौलवी आतिफ अली कादरी ने सोनू को गंजा करने पर 10 लाख का रखा था इनाम। मौलवी आतिफ अली कादरी का 10 लाख इनाम देने से इनकार, कहा सोनू ने नहीं पहना जूतों का हार। सिंगर सोनू निगम ने कहा मैं पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष, अजान पर नहीं लाउडस्पीकर पर उठाया था सवाल। सोनू निगम ने कहा रफी साहब को पिता समान मानता हूं, मेरे लिए सारे धर्म एक समान। सोनू निगम बोले धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की जरूरत नहीं, किसी धर्म के बारे में जोर जोर से बताना गुंडागर्दी। मोदी सरकार के वीआईपी कल्चर हटाने के फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज ही हटाई अपनी गाड़ी की लाल बत्ती। मोदी सरकार के वीआईपी कल्चर हटाने के फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज ही हटाई अपनी गाड़ी की लाल बत्ती। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का सामने आया एक और वीडियो, लातूर में एसबीआई बैंक मैनेजर के साथ कर रहे थे बहस। एटीएम में कैश जमा कराने गए थे रविंद्र गायकवाड़, नोटबंदी के बाद भी लातूर में लोगों की लंबी कतारें। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कार को बचाने के चक्कर में सड़क पर पलटा रेत से भरा ट्रक, कई किलोमीटर तक लगा जाम। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है पारा, नागपुर में दिन भर सूरज की तपिश। पनवेल, भिवंडी, निजामपुर और मालेगांव महानगर पालिका के चुनाव के लिए 24 मई को होगा मतदान, 26 मई को होगी गिनती। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान बाबरी मस्जिद जहाना साजिश नहीं राष्ट्रीय कार्य था। पश्चिम रेल ने बांद्रा से सोमनाथ के बीच गर्मी की छुट्टी में चलेगी समर स्पेशल ट्रेन, 20 और 22 अप्रैल से मिलेंगे इन ट्रेनों के टिकट। मध्य रेल की ओर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस से इलाहाबाद तक चलेंगी 20 स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन, 21 अप्रैल से शुरू होगी बुकिंग। हार्बर लोकल लाइन की कुछ ट्रेनें हो सकती हैं रद्द, जोगेश्वरी तक रेल रूट बढ़ाने की वजह से फैसला, यात्रियों को हो सकती है परेशानी। महाराष्ट्र में रविवार को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, 14 मई से 8 राज्यों में एक साथ लागू होगा फैसला। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट का पहला पोस्टर रिलीज, ईद पर रिलीज हो रही है फिल्म ट्यूबलाइट। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के टोल के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर, 25 अप्रैल को होगी सुनवाई। भारत के वीरों के लिए अक्षय कुमार ने मांगा दान, ट्विटर के जरिए फैंस से की भारतीय जवानों की आर्थिक मदद की अपील। अभिषेक और ऐश्वर्या ने शादी की 10वीं सालगिरह नहीं मनाने का किया फैसला, ऐश्वर्या के पिता की इसी साल देहांत होने की वजह से फैसला। टाटा मोटर्स ने ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस बसें की लॉन्च, 21 लाख रुपए रखी कीमत। 550 रुपए किलो की गिरावट के साथ एक किलो चांदी की कीमत हुई 42,250 रुपए, सोने के दाम 29,900 पर स्थिर। 17 अंकों की बढ़त के साथ 29,336 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 1.5 पॉइंट की गिरावट के साथ 9,103 पर बंद हुआ। 2016-17 में बिक्री के मामले में टॉप 10 कारों में मारुति सुजुकी के 7 मॉडल शुमार, सियाम के आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 में मारुति के 6 मॉडल टॉप 10 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं अनंत भट्ट। मौजूदा गायकी में सोनू निगम का कोई सानी नहीं, लेकिन इन दिनों सोनू कट्टरपंथियों से भिड़ंत की जुगलबंदी कर रहे हैं। सोनू के ट्वीट पर बंगाल के मौलाना ने फतवा जारी किया, तो जवाब में सोनू ने सिर मुंडवाकर चुनौती पेश की। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। मशहूर गायक सोनू निगम ने अजान विवाद पर मजहब के ठेकेदारों को महज आधे घंटे में अपना मुंडन कराकर करारा जवाब दे दिया। कैसे, आपको इन तस्वीरों से पता चल जाएगा।
सोनू निगम ने अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जहां वो स्टाइलिश बालों के साथ मुखातिब हुए, लेकिन जब आधे घंटे बाद सामने आए तो सिर के सारे बाल गायब थे। दरअसल सोनू के अजान पर धार्मिक गुंडागर्दी वाले ट्वीट के बाद विवाद ऐसा बढ़ा कि पश्चिम बंगाल के मौलाना आतिफ अली अल कादरी ने फतवा जारी कर कहा कि जो कोई सोनू निगम को गंजा करके जूतों की माला पहनाएगा उसे वो 10 लाख का इनाम देंगे। जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जा रही थी कि मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा रिलीजन का चलता है, मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, ये मेरा मानना है, आपके लिए शायद ये लाड़ प्यार होगा। तो हमने कहा कि एक बात है कि उसका सर को टकला करके जो वो कर चुके हैं, दूसरी बात है कि उनके गले में फटीचर से फटीचर क्वालिटी का जूता का माला, तीन नंबर उसे हिंदुस्तान के जितने 100-125 या 150 या 200 जितने भी हिंदुस्तान के पॉपुलेशन है हर घर घर में जाके चाहे उसके लिए जितना भी दिन लगे, तो फिर ऐसा काम जो करवाएगा या फिर वो खुद करेगा तो वैसा इंसान को मैं अपने तरफ से 10 लाख रुपया इनाम। फतवा जारी करने वाले मौलाना साहब कह रहे हैं कि सोनू निगम ने उनकी दो शर्तों को अभी भी पूरा नहीं किया है। हालांकि सोनू ने अपने ट्वीट में मंदिर और गुरुद्वारों में बजने वाले लाउडस्पीकर पर भी सवाल खड़ा किया था। कट्टरपंथियों की धमकी के बाद सोनू निगम के घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है, लेकिन सोनू के तेवर ये बताने के लिए काफी हैं कि वो फतवों की फिक्र नहीं करते। मुंबई से शिवांगी ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। ट्रिपल तलाक और तलाक देने के तरीके दिन ब दिन नायाब होते जा रहे हैं। मुंबई के पास मीरा रोड में एक पति अपनी पत्नी पर चिट्ठी फेंक कर भाग गया। उस चिट्ठी में लिखा था 3 बार तलाक। रुखसाना 19 साल की थी जब उनकी शादी मीरा रोड में रहने वाले एक शख्स से हो गई। अपने पति के परिवार वालों के हाथों रोज पिटती रही लेकिन सहती रही। मुझे तो निभाना था, मैं निभाती गई। 7.5 साल हो गए पूरे शादी को भी। अब मेरे अब 10 पिछले रमजान से पहले उनकी वालदा के साथ मेरी कुछ तू मैं हो गई थी, जिसमें उनकी वालदा ने मैं बहुत बुरी तरह मुझे पीटा था, बहुत बुरी तरह मारा था, इधर हाथ वगैरह पे काट भी लिया था। उसके बाद मेरे शौहर मुझे यहाँ पे लाके दूसरे दिन अम्मी के वहाँ छोड़ दिए थे। लेकिन कुछ महीने बाद रुखसाना के पति ने उसे अपनी माँ के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने कहा और कुछ दिनों बाद उसे उसकी माँ के यहाँ छोड़ गया। 9 महीने बाद अचानक एक दिन रुखसाना से मिलने उसके मायके आया और एक चिट्ठी फेंक कर चलता बना। मुझे तेरे को रखना नहीं है, तेरे घर वालों से भी मुझे रिश्ता नहीं रखना बोल के मैं, उन्होंने जब ये बोला तो मैं उनको रोकने लगी कि रुक जाओ। मैं एकदम अपने आप में ही नहीं थी तो मेरे को हाथ में मार भी लग गई। यहाँ पे कांच थी वो मेरे हाथ में घुस गई, मेरे हाथ में मार लग गई, खून भी बहने लग गया। वो तब भी नहीं रुके और उन्होंने गुस्से में एक पर्चा फेंक कर चले गए। 17 फरवरी का वो दिन रुखसाना शायद भूल नहीं पाएगी। उसका पति तो अब भी यही कह रहा है कि उसने बड़े मौलाना और मुफ्ती से बात की है जो उसके कदम को सही बता रहे हैं। पर्चा फेंके और ख़त्म कर दिया, एक सेकंड में ये ख़त्म नहीं कैसे हो जाता है। रोज जी रही है, 2 महीने से रोज मर रही है और हमारा शरा भी ये नहीं बोलता है कि तुम किसी को एक झटके में ख़त्म कर दो। किसी का दिल नहीं टूटता है, ना हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी का घर उजाड़ो, उन्होंने फरमाया है कि किसी का घर बसता है तो बसाओ। रुखसाना और उसका परिवार अब इस हादसे से उबरने के लिए अदालत का रुख करने का मन बना चुका है। 3 तलाक के मसले पर अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। 27 साल की रुखसाना खान भी इसी मसले का शिकार है। उनके शौहर ने एक पर्ची फेंक कर उन्हें तलाक दे दिया। क्या रुखसाना जैसी अनगिनत महिलाओं को कभी इस पर न्याय मिल पाएगा? दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। वीवीआईपी गाड़ियों पर अब लाल बत्ती नहीं लगेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है और ना ही उनका कोई मंत्री लाल बत्ती का इस्तेमाल करेगा। महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री समेत दूसरे मंत्रियों ने कुछ ऐसा ही किया है। महाराष्ट्र के कई मंत्री सुबह अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ियों में मंत्रालय पहुंचे थे, लेकिन शाम होते होते उनकी गाड़ियों से लाल बत्ती उन्होंने खुद निकाल दिया। हर आदमी व्यस्त होता है, सिर्फ मंत्री और पॉलिटिशियन व्यस्त नहीं होते हैं, व्यस्त तो हर आदमी होता है। थोड़ा ठीक ठाक प्लानिंग करा, समझो कोई इमरजेंसी है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है और कंसर्न मिनिस्टर को पहुंचना है तो पुलिस उसकी व्यवस्था कर सकती है। किसानों के हित के लिए मैं यह मंत्री बना हूँ तो मैं भी जो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है, मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है, उस तरह से हम कल से हम भी लाल बत्ती नहीं यूज करेंगे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट करके कहा था कि वो अपनी लाल बत्ती को त्याग रहे हैं और तुरंत ही उसे अमल में ले आए। लेकिन ऐसे मौके पर भी शिवसेना नेताओं ने सरकार पर निशाना लगाना नहीं छोड़ा और फडणवीस सरकार के अनावश्यक खर्च पर सवाल उठा लिया। बत्ती सिर्फ कन्वेंस के लिए ट्रांजिट में थोड़ा सा मदद उसे होती है, पुलिस को मालूम होता है, ट्रैफिक के लोगों को मालूम होता है उससे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया है तो बहुत अच्छा है। और भी निर्णय उन्होंने लेना चाहिए, जहाँ जहाँ फिजूल खर्चे होते हैं वो बहुत सारे निर्णय, सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारी पैमाने पे खर्चे होते अच्छे हैं, इट्स गुड डिसीजन। लाल बत्ती हर नेता का सपना होता है और उनकी राजनीतिक जिंदगी का अहम हिस्सा भी। अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए राज्य के नेताओं ने लाल बत्ती का त्याग तो कर दिया, लेकिन क्या वो वाकई इस लाल बत्ती के बिना रह पाएंगे ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।